हाय एवरीवन, मेरा नाम है शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पहले मुझे बताओ कैसे हो आप लोग। अभी लॉकडाउन का समय है, पार्लर सलोन एट होम केयर सर्विसेज बंद हैं। मैंने सोचा कि मैं एक अपडेटेड फेशियल हेयर रिमूवल रूटीन करूँ आप लोग के लिए। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ माई फेस बिफोर शेविंग। दूर से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे फेस पे बाल है, और पास आके देखो तो दिस इज़ वॉट माई फेस लुक्स लाइक। आई हैव दिस कंडीशन कॉल PCOD, जिसकी वजह से मुझे फेशियल हेयर आते हैं और मैं अपने फेस को हर तीसरे दिन शेव करना पसंद करती हूँ। आई डू गेट फेशियल हेयर ऑन माई चिन, माई नेक एंड ऑल्सो ऑन माई चीक्स। कहीं कहीं पे बाल थिक है मेरे, कहीं कहीं पे बिल्कुल भी फाइन है, बट मोस्टली जो थिक हेयर हैं वो चिन के आसपास या नेक के आसपास हैं। पहला अपडेट तो ये है कि आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस रूटीन एट द नाइट, क्योंकि रात को हमारा स्किन रिपेयर मोड पे चला जाता है। जो भी पोस्ट केयर रूटीन आप अपने फेस पे करोगे आफ्टर डूइंग द शेविंग, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्री केयर रूटीन से। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, ये हमारे स्किन को प्रिपेयर करेगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द शेविंग प्रोसेस। सो प्री केयर रूटीन में सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश टू क्लींस माई फेस, टू रिमूव एनी डर्ट गंक एंड डेब्रीज फ्रॉम माई फेस। इसके लिए मैंने यूज़ किया फॉरेस्ट एसेंशियल का फेस वॉश। ये पैराबिन फ्री सल्फेट फ्री फेस वॉश है, काफ़ी जेंटल और माइल्ड फेस वॉश है। मैंने अपने पूरे फेस पे इसको जेंटली मसाज किया है और नेक पे भी। उसके बाद मैंने अपने फेस को साफ पानी से धोया है। जो भी पानी मैं इस पूरे वीडियो में यूज़ करूंगी वो या तो वार्म होगा और आखिरी में कोल्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप फॉर प्री केयर रूटीन इज एक्सफोलिएटिंग योर फेस। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिजिकल एक्सफोलिएटर। दिस इज़ अ चारकोल फेस स्क्रब बाय ममा अर्थ। मैंने नोटिस किया है चारकोल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेरे फेस पे काफ़ी सूट करता है, चाहे उसका फेस मास्क हो, पील ऑफ मास्क हो या फिर स्क्रब हो। तो इसमें आप देख सकते हो स्मॉल बीड्स हैं जो कि दिख रहे हैं इस वीडियो में। इस स्क्रब में आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे से बीड्स हैं, और ये बीड्स हमें हेल्प करेंगे हमारे फेस के डेड स्किन को मेल्ट करने में। आप चाहो तो केमिकल एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे AHA हो गया, BHA हो गया, अगर आपको फिजिकल एक्सफोलिएटर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इसको यूज़ करने का भी एक तरीका होता है और हर दिन नहीं इस्तेमाल करना रहता है इसको। वंस अ वीक वर्क्स फाइन। तो मैं बहुत ही जेंटली इस एक्सफोलिएटर को अपने पूरे फेस में मसाज कर रही हूँ। आपको आपके फेस को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करना है और नेक वाले एरिया को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हेल्प करेगा हमारे डेड स्किन को मेल्ट करने में। कोई भी ऐसे पैचेस रह गए होंगे डेड स्किन को, वो भी मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा शेविंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। स्क्रब करने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश किया है और मैंने अपने फेस को पैट ड्राई किया है यूजिंग अ टॉवल। मेरा स्किन ड्राई नहीं है अभी, डैम्प है, बट मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी, कुछ 1 से 2 मिनट, ताकि मेरा स्किन थोड़ा और ड्राई हो जाए। मेरा स्किन अभी भी हाइड्रेटेड फील कर रहा था, बट आप समझ सकते हो ना कि वो ड्राई नहीं है या फ्लेकी नहीं दिख रहा है। ओके, हमारा स्किन रेडी है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मेक श्योर आपके हाथ भी ड्राई हो। अब हम फेस शेविंग रूटीन को शुरू करेंगे। दीज आर द रेजर्स जो कि मैं प्रिफर करती हूँ अपने फेस पे यूज़ करना। आप लोग देख सकते हो कि इसमें एक जिगजैग पैटर्न है, और ऐसे प्रकार के रेजर काफ़ी अच्छे होते हैं आपके फेस पे यूज़ करने के लिए। जो कि क्लीन ब्लेड वाले रेजर होते हैं उनसे बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, वो आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी चीक्स को शेव कर रही हूँ। जो डायरेक्शन है मेरे हेयर ग्रोथ का मेरे चीक्स के लिए वो नीचे की तरफ है, दैट इज़ टूवर्ड्स द ग्रेविटी। मैं उसी डायरेक्शन में अपने रेजर को रख के अपने फेस को शेव करूंगी। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बाद में भी यूज़ कर सकते हैं आपका रेजर, अगर आपको लगे कि कहीं कहीं पे बाल रह गए हैं और आपको क्लीन शेव नहीं मिला है। शेविंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फेस का सरफेस है वो स्मूथ हो, प्लेन हो। उसके लिए आप अपने फेस को हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने एक आईना पकड़ रखा था तो मैंने अपनी लिप्स को हल्का सा टेढ़ा कर लिया था। आप अगर वॉल मिरर में कर रहे हो तो ऊपर आप देख सकते हो, आप अपने हाथ से अपने फेस को स्ट्रेच कर सकते हो और फिर अपने फेस को शेव कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्री केयर रूटीन करने का फ़ायदा, मेरा डेड स्किन निकल गया, मेरे जो फेशियल हेयर थे वो भी निकल गया। प्री केयर रूटीन करने का फ़ायदा ये हुआ कि डेड स्किन मेल्ट तो हुआ ही, बाल भी सॉफ्ट हो गए थे और स्किन भी स्मूथ हो गया था। अब नेक के लिए मैं अपने हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन के अपोजिट शेव करना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले। आप देख सकते हो कि मैंने अपने एक हाथों से अपने स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, उसके बाद अपने रेजर की मदद से अपने फेस को शेव किया है। उसके बाद आप अपने फेस को थोड़ा सा चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे बाल रह गए हैं। उसके बाद कोई भी डायरेक्शन में आप अपने फेस को शेव कर सकते हो।
और फेस शेविंग के तो फ़ायदे भी हैं, ये आपके फेशियल हेयर को रिमूव करता है, आपके फेस से डेड स्किन को भी रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है आपके फेस को, और इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट क्रीम आपके फेस पे अप्लाई करोगे उसका इफ़ेक्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद मैं अपर लिप एरिया को शेव कर रही हूँ, पहले मैं नीचे की डायरेक्शन में करूँगी, उसके बाद मैं अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में शेव करूँगी। जो आपके लिप के साइड एरिया होते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए आप अपना टंग का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने फेशियल हेयर को शेव कर सकते हैं। जितना ज़रूरी प्री के रूटीन था उतना ज़रूरी ही पोस्ट के रूटीन है। पोस्ट के रूटीन में सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी टोनर, आप चाहो तो फेस मिस्ट या फिर रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, मैं आज टोनर और रोज़ वाटर दोनों यूज़ करूँगी। दिस इज़ द टोनर बाय फेस शॉप, दिस इज़ द विटामिन B12 टोनर। जो टोनर आप अपने फेस पे यूज़ करोगी मेक श्योर दैट इज़ अल्कोहल फ्री टोनर, दैट शुड बी कम्प्लीटली अल्कोहल फ्री। ओके, तो मैंने अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई किया है यूजिंग माई हैंड्स माई फिंगर्स। टूनर आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को काम रखता है। नेक्स्ट स्टेप है मैं यूज़ करूँगी सिरम, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट टू रिपेयर दी डैमेज स्किन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नियासिनमाइड सिरम बाय द ब्रांड द डर्माको, वन ऑफ माय फेवरेट सिरम ऑफ ऑल द टाइम। मैंने इसको रिव्यू भी किया है अपने चैनल पे, और ये ब्रांड भी पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री ब्रांड है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये सिरम। तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर दूंगी और नेक पे भी, क्योंकि हमने अपने फेस को स्क्रब किया, एक्सफोलिएट किया और रेजर भी यूज़ किया, तो कोई भी अगर स्किन डैमेज हुआ होगा मुझे तो उसको वो रिपेयर करने में हेल्प करेगा, कोई भी इन्फ्लेमेशन, अनइवन स्किन टोन, एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स, और मेरे स्किन को ये नरिश भी रखेगा। इसके अलावा भी आप हाइलुरोनिक एसिड या सेरामाइड वाले सीरम्स भी यूज कर सकते हो, वो भी आपको सेम इफेक्ट देंगे, आपकी स्किन को वो सूट करना चाहिए बस। लास्टली मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी टू लॉक अप द बेनिफिट ऑफ द सीरम दैट वी अप्लाइड। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप है, कुछ भी हो जाए फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कैलेंडुला फेस मॉइस्चराइजर। कैलेंडुला रेंज बाय द ब्रांड फेस शॉप इज़ अ वेरी अंडर रेटेड रेंज आई वुड से, ये सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। सो मैंने मॉइस्चराइजर को अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है, उसके बाद मसाज किया है जेंटली ऑल ओवर माई फेस, एंड विद दैट वी कम्प्लीटेड दिस फेस शेविंग रूटीन पोस्ट स्किन केयर रूटीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करूँगी एवरी थर्ड डे। तो ये था आज का मेरा वीडियो ड्राई शेविंग रूटीन एट होम। मैं इस रूटीन को कुछ 2 महीने से फॉलो कर रही हूँ। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ गाइस टेक अ मोमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद मैं अपना आईब्रो शेविंग रूटीन भी करूँगी अगर इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। आप मेरे पुराने वीडियोज़ यहाँ पे देख सकते हो, ये वो वीडियो है जिसमें गोपाली ने वॉइस ओवर दिया है मेरे मेकअप के लिए, बहुत अच्छा वॉइस ओवर है, काफ़ी फनी है। और ये वो वीडियो है जहाँ पे मेरी मॉम ने आप लोगों के लिए कुकिंग किया था, लव पीठा जो कि एक उड़िया डिश है वो बनाया था। सो जाइए मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय।